अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ महानूर ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत 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 मुबारक हो। और कैसे क्या आप सबके रोज़े, किस किस ने सारे रोज़े रखे मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े रखे थे और मेरे बहुत अच्छे रोज़े गए, बहुत मज़ा आया। तो अल्लाह ताला हम सबके रोज़ों को, हम सबकी बातों को कबूल करें, आमीन सब आमीन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और 8 बजे है ईद की नमाज़। तो ईद की नमाज़ मैं कहाँ पढ़ने जाऊँगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। हमारे पास ही मोहल्ले में एक आंटी है, उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ पढ़नी है, तो हम वहाँ जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और इसी के साथ मैं नमाज़ के लिए कौन सा ड्रेस पहन रही हूँ और उसके बाद मैंने कौन सा ड्रेस पहना है, तो वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो बाद वाला ड्रेस मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने नमाज़ के लिए कौन सा ड्रेस पहना है। तो चलें आ जाएं। तो जी ये रहा मेरा नमाज़ के लिए जो ड्रेस मैंने बनवाया था। तो वाइट कलर का मैंने ड्रेस बनवाया और फर्स्ट टाइम मैंने वाइट कलर का ड्रेस पहनना है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ड्रेस तो आपने देख लिया है, आप देखते हैं कि मुझे पहनने के बाद कैसा लगेगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम वाइट कलर का ड्रेस पहन रही हूँ और एक्साइटेड भी हूँ और डर भी रही हूँ कि कैसा लगेगा, सूट करेगा कि नहीं। तो लेट्स सी कैसा लगता है। अभी जो है मैं जा रही हूँ शावर लेने और फिर रेडी शेडी होके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने मीठा रेडी कर लिया है, ये ख़त्म के लिए था और अभी बांटने के लिए जो है वो अम्मा बनाएंगी, तो वो अम्मा बना रही है। मैं जा रही हूँ फ्रेश होने और फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ ब्रेक के बाद। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी जो है 7:30 हो रहे हैं और मैं बहुत जल्दी रेडी हो गई हूँ। तो अभी मैं थोड़ी सी पिक्चर वगैरह क्लिक करूँगी और आपके साथ मैं फुल लुक शेयर करूँगी। तो अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ, नाश्ता करने के बाद हम जाएंगे नमाज़ पढ़ने और फिर वहाँ से वापस आके मैं आपके साथ अपनी फुल लुक भी शेयर करूँगी। और इसी के साथ मैंने भी अपने बालों को नहीं छेड़ा, बालों को ऐसे मैंने एयर ड्राई किया है, तो इसका भी हम थोड़ा सा हेयर स्टाइल बनाएंगे, उसके बाद हम पिक्चर क्लिक करेंगे। तो मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी, तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ पे फॉलो कर लें और मज़ीद व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे हम आ गए थे जहाँ पे हमने नमाज़ पढ़नी थी और 8 बज गए थे, पर अभी तक कोई भी नहीं आया था, सिर्फ मैं और मामा आई थी। तो हम यहाँ पे तस्बीह करने लग गए थे और बाकी लोगों का वेट कर रहे थे, जैसे वो आएंगे तो फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं अकेली बैठी बोर हो रही थी और लोगों का वेट कर रही थी कि जल्दी जल्दी से आ जाएं, क्योंकि 8 बजे का नमाज़ का टाइम था, बट कोई भी नहीं आया था। और मुझे मम्मा घर पे गई थी कि जल्दी 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 चलो नमाज़ पढ़ने, और मुझे मम्मा ने नाश्ता भी नहीं करने दिया था, तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था, बट कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लिया था मैंने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। तो फाइनली हम ईद की नमाज़ पढ़ के वापस आ गए हैं और मैंने लाइट से अपने बाल स्ट्रेट कर लिए थे और अभी 10:15 हो रहे हैं और अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ, क्योंकि जाने से पहले मम्मा ने मुझे खाने नहीं दिया था। तो अभी नाश्ता करते हैं और नाश्ते में जो है वो है मज़ेदार से नान चने। तो आज जिसने नाश्ता कर लो गाइस, यहाँ पे ये रहा हमारा नाश्ता, ये रहे चने और ये नान है। तो आज जिसने नाश्ता करना है, तो मैं तो करने लगी हूँ भाई, बहुत भूख लगी हुई है। तो चलें अब मैं नाश्ता करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके बाय। तो नाश्ता वगैरह तो हो गया है, अब मैं आपको मिलवाती हूँ मम्मा से। तो मम्मा आ जाओ, मम्मा ने आपको ईद मुबारक बोलना है। मम्मा आ गई है, मम्मा विश करो। हेलो, ईद मुबारक सबको, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक है मेरी तरह, प्यारे प्यारे। तो अभी आपके सामने मम्मा से ईद लेती हूँ। मम्मा मेरी ईदी दो, क्या लेना? मेरी ईदी जाओ, प्यार से दे दो। 100 रुपये कौन देता है भैया, आजकल छोटे बच्चे भी नहीं लेते 100 रुपया। ये ले लेते जितने से, ये ले, ये भी ले ले। बस बस 6,000। क्या हो गया? क्या हो गया, मुझे पैसे नहीं दे सकते? आहिस्ता आहिस्ता बड़े नोट की तरफ जाओ, आप छोटे नोट की तरफ आ रही हो। तो मम्मा की तरफ से मुझे ईदी मिली है, ये है 6,500। तो ये वापस तो नहीं लोगे आप, ये मेरे हो गया। आपको दी गया आपकी। ओके, तो आपने कहा रहना, मैंने वापिस नहीं करनी, मैंने ये मेरे बस मेरा हो गया। 7,000 पूरा कर दो, 500 और दे दो। 500 और दे दो, 500 ना दे दो। 5 रुपये आप एकदम सबसे नीचे आ गई हो। नहीं अभी खुले नहीं है, 5,000 करोड़। चलें इतने भी आपके मेरे लिए, मैंने वापस नहीं करने।
ओके तो ठीक है, मुझे तो गाइस ईदी मिल गई है, आप लोगों को कितनी ईदी मिली मुझे जल्दी से बताएं। अभी मुझे मामा की तरफ से ईदी मिली है और देखते हैं कि इस बार मेरे पास कितनी ईदी जमा होती है और कौन कौन मुझे ईदी देता है। तो चलें। सो गाइस, नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं सो गई थी और 2 घंटे में सोई हूँ। उसके बाद मैं उठ के फ्रेश व्रेश हो गई और अब मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, मैं रेडी हो गई हूँ। तो ये रहा मेरा ड्रेस, तो मैं आपको फुल ड्रेस दिखाती हूँ। सो गाइस, ये देखेंगे, ये रहा मेरा फुल ड्रेस, ठीक है? तो बहुत ही प्यारा है। तो कोशिश करूँगी कि कोई मेरी वीडियो बना दे, अभी तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ क्योंकि कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है। तो ये देखें, अभी काफ़ी यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल पे गंद पड़ा हुआ है क्योंकि मैं अभी रेडी हुई हूँ, मैंने कुछ भी नहीं उठाया। वापस आके मैं सारी सफाई कर लूँगी। तो ये देखें कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम दादो की तरफ चलते हैं और फिर मैं आपसे वहाँ जाके मिलती हूँ। ओके बाय। वो दादो की तरफ आने के बाद हमने प्लान बनाया कि कहीं भाई आउटिंग पे चलते हैं घूमने फिरने। तो मूवी का हमारा प्लान बना था, तो हम यहाँ पे क्यू सिनेमा में आए थे और यहाँ पे कोई इतनी खास मूवी नहीं लगी हुई थी, लाहौर के अंदर लगी थी, तो वही हमने देख ली क्योंकि हमने कहा कि इतनी दूर आए हैं तो अब देख के जाएँ। तो मूवी देखने के बाद हम यहाँ से निकल गए थे और देखने आए थे, बट हमने मूवी देखी है, बट वहाँ पे अंदर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी। मैं कौन सब तो वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई, हम गाड़ी हमारी गाड़ी चले तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत शुगर लगाया था और रास्ते में हमें जिना पार्क मिल गई थी, तो हम यहाँ पे रुक गए कि थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे सिर्फ हमने 10-15 मिनट रुके थे, पिक्चर क्लिक की और फिर हमने यहाँ से निकलने की। तो मैंने सोचा आपके लिए थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ, थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर लेती हूँ, बट कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बट यहाँ पर आप कायद अजम को देख सकते हैं, इन्होंने कायद अजम को क्या बना दिया, क्या से क्या बना दिया हमारे इतने प्यारे कायद को। तो खैर, यहाँ पे हमने पिक्चर क्लिक वगैरह कर ली थी और फिर हम यहाँ से डायरेक्ट चमन वालों के पास आए थे, यहाँ पे हम आइसक्रीम खाने। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, हमें कोई सीट ही नहीं मिली, तो इसलिए हम साइड पे कोने में खड़े हो गए और भाई हमारे लिए यहाँ पे आइसक्रीम ले आया था। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी और मैंगो मिक्स मंगवाया था, तो बहुत मज़े की थी, बट इतनी खास नहीं थी, बट मज़े की थी। तो आइसक्रीम खाने के बाद हम यहाँ से निकले बर्गर खाने, तो क्योंकि मेरी कज़न का दिल कर रहा था, तो हम यहाँ पे स्मैश बर्गर पे आए थे। यहाँ पे हमने बर्गर और फ्राइज़ ऑर्डर की और खाना खाने के बाद यहाँ पे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में हमें बर्गर मिल गए थे। तो हम यहाँ से खाने के बाद बस घर निकल गए थे और काफ़ी थक गए थे, इसलिए मैंने घर जाके व्लॉग नहीं बनाया और यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।